नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल हेल्प हिंदी में। दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म निकला हुआ है, उसका फॉर्म आपको लाइव फिलअप करके दिखाएंगे। पैट, जिसकी फुल फॉर्म प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो होती है, उसका फॉर्म आपको लाइव फिलअप करके दिखाएंगे। क्या क्या डिटेल्स उसमें ली जाते हैं जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाएंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आ जाएंगे, और गूगल में आपको टाइप करना है यूपी 3 बार S और C लिख के, GOV लिख के, ये यूपी ट्रिपल एससी जो भी लिख के, जैसे आप सर्च करते हैं ये वाली वेबसाइट के सबसे ऊपर ही जाती है UPSSSC.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर फॉर्म फिलअप करना है आपको। वेबसाइट ऐसे फाइंड होती है, ठीक है, वरना लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका होम पेज खुल जाता है इस प्रकार का। आप जैसे इसको वेबसाइट को खोलते हैं, ये इसका होम पेज इस प्रकार का। यहाँ पे आपको देखो सामने आ रहा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये वेबसाइट के सामने आ रहा होम पेज पे, इसी पे आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे देखो, जैसे क्लिक करते हैं ये पेज खुल जाता है इस प्रकार का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, शॉर्टकट में पैट भी लिखा हुआ है ये। और इसमें देखो यहाँ पे इसकी स्टार्ट डेट दे रखी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 28 जून 2022, और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट ये भी इसमें दे रखी है, देखो 27 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। फिर डिपोजिशन की लास्ट डेट दिखा रखी 27 जुलाई 2022 ही है, और ये एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट भी देखो 27 जुलाई 2022 इसकी एप्लीकेशन सबमिशन की है। यहाँ पे ऊपर मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट दिखा रखी है 28 जुलाई 2022 है इसकी मॉडिफिकेशन, और एंड डेट जो है उसकी 2 अगस्त, ये इसकी लास्ट डेट यहाँ पे दिखा रखी है। अगर आपको देखो पूरी डिटेल्स पढ़नी है, व्यू एडवर्टाइजमेंट पर जैसे क्लिक करते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट खुल जाता है, वो आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं डिटेल्स और देखनी है तो अभी अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ये नीचे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ जाता है, फिर इस पर क्लिक करेंगे। एक बार ये पूछता है देखो यहाँ पे, जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ये पूछता है कि आपने पूर्व में कभी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं। अगर आपने इस वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिलअप किया है पहले भी UPSSSC पे, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया और प्रोसीड पे जैसे क्लिक करते हैं, देखो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगता है। ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे डाल के वो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आपकी सभी डिटेल्स फिलअप करी हुई हो जाती है उस फॉर्म के हिसाब से ही, जो भी आपने उस फॉर्म में डिटेल्स फिलअप की होगी वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, आपकी सभी डिटेल्स आ जाती है। तो अभी हम नो पे क्लिक करके अभी फ्रेश फॉर्म दिखाएंगे आपको फिलअप करके, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, इसमें चेक का मार्क करता है एक्सेप्ट में, वो चेक मार्क करके देखो जैसे ही करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स ली जाती है हमारे से, सबसे पहले ये डिटेल्स ली जाती है। इसमें पर्सनल डिटेल्स है देखो, सबसे पहले इसमें कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम डालना है अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के हिसाब से फादर्स का नाम, फिर यहाँ पे मदर्स का नेम इंग्लिश में डालना है सभी, और यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी पूछता है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, यस या नो करना है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे इसको प्रोसीड कर देंगे। तो अभी यस करेंगे, देखो आज जो डोमिसाइल में यही है कि आप मूल निवासी है उत्तर प्रदेश के, तो यस पे जैसे क्लिक करते हैं और ऑप्शन खुल जाते हैं, देखो उसमें अदर डिटेल्स खुल जाते हैं, ये नो करेंगे तो उसमें ये नहीं खुलेगा। देखो इसमें पूछता आर यू डिपार्टमेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर आर यू एक्स आर्मी, ये यस नो करना है। और फिर देखो ये जो भी है, अगर आपके ऊपर कोई भी अप्लीकेबल है आप इसमें सेलेक्ट कीजिए, वरना नो कर दीजिए। आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी, यस है तो यस, नहीं तो नो, ये सभी इसमें देखो। आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, ये भी यस नो करना है, ये सभी जो यूपी के मूल निवासी उनके लिए। फिर यहाँ पर होम स्टेट देखो, अभी हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सिर्फ ओनली उत्तर प्रदेश ही ओपन होगा, देखो होम स्टेट में, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जैसे सिलेक्ट करते हैं देखो ये सभी आ जाते हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट आपकी सभी लिस्ट आ जाती है डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट आप इसमें से अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट यूपी के आ जाते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कैटेगरी देखो, जो भी कैटेगरी है जनरल एससी एसटी ओबीसी, इसमें से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में डे ही, उसके बाद मंथ होता है, फिर इसमें से डे देखो, सभी डे दिए हुए लिस्ट है पूरी, उसके बाद मंथ है सभी मंथ, और उसके बाद ईयर, डेट मंथ ईयर इसमें सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ में, ये सभी ईयर्स दिए हैं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल देखो जो भी है, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल, उसके बाद मोबाइल नंबर कैंडिडेट का, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है कैंडिडेट की, ये सभी सही से डालनी चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बाद में कम्युनिकेशन में जिससे दिक्कत ना आए। आर यू मैरिड, शादीशुदा है, यस या नो करना है इसमें, शादीशुदा यस या नो करना है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर ये देखो इसमें से अगर आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल है तो आप इसमें से सेलेक्ट कीजिए, वरना इसको सबसे नीचे नन आ रहा है, इसमें नन कर दीजिए आप, नेवर एम्प्लॉई इन उत्तर प्रदेश, अगर एम्प्लॉई वगैरह है तो आप इसमें सेलेक्ट कीजिए, वरना नेवर एम्प्लॉई आप सेलेक्ट कर दीजिए इसमें।
अभी देखो नीचे आ जाते हैं और देखते हैं डिटेल्स क्या है इसमें। यहाँ पे देखो एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज में डिस्काउंट चाह रहा है अपर एज में, तो आप इसमें से कोटा ले सकते हैं, वेटेज ले सकते हैं, ये आप यहाँ पे यस कर दीजिए। इसमें आपको फिर शो करेगा क्या क्या इसमें कोटा मिल जाएगा यस करने पर, अगर नहीं लेना तो आप नो कर दीजिए। यस करते हैं देखो ये एडिशनल ये रिलैक्सेशन है, इसमें कास्ट का भी है और अदर भी है, और अगर नहीं लेना तो नो कर दीजिए। उसके बाद फिर देखो एकेडमी डिटेल्स, यहाँ पे एजुकेशन में आ जाएंगे, एजुकेशन में ये एजुकेशन आ जाएगा। सबसे पहले बोर्ड का नाम हाई स्कूल के, देखो हाई स्कूल के बोर्ड का नाम यहाँ पे डालना है, सभी बोर्डों के नाम दिए हुए हैं इसमें, आप इसमें से जो भी आपका हाई स्कूल का बोर्ड है वो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए लिस्ट में से। उसके बाद यह रोप पासिंग हाई स्कूल का दसवीं का जो भी आपका साल है जिसमें आपने पास किए है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, वो मार्कशीट पर लिखा हुआ होता है यह रोप पासिंग, यहाँ पर यह रोप पासिंग सेलेक्ट करना है जिस भी साल किया, और यहाँ पर रोल नंबर दसवीं का आपको हाई स्कूल का रोल नंबर टाइप करके डालना है। उसके बाद परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम जो भी है वो सेलेक्ट करना है। परसेंटेज सिस्टम है तो देखो इसमें ऑब्टेन मार्क्स में तो आपके कितने मार्क्स आए हुए और टोटल मार्क्स में कितने में से आए हुए, जैसे हाई स्कूल में 600 में से आते हैं तो टोटल में तो 600 डाल देंगे और ऑब्टेन में जितने मार्क्सशीट में आए हुए वो। उसके बाद इंटरमीडिएट देखो, अगर जो आपने पास की हुई है इंटरमीडिएट तो यस इसमें चेक मार्क करना है। इसमें देखो पैट के फॉर्म में मिनिमम आपको हाई स्कूल तो ऐड करनी है और ऊपर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें मिनिमम हाई स्कूल मैंडेटरी है। उसके बाद इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप स्वेच्छा से ऐड कर सकते हैं, इसमें भी इसी प्रकार है। देखो इंटर में भी पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग इसका इंटरमीडिएट का जो भी ईयर ऑफ पासिंग है, उसके बाद रोल नंबर, फिर इंटरमीडिएट का रोल नंबर, और यहाँ पे फिर परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम जो भी है, और ऑब्टेन मार्क्स में कितने मार्क्स आए हुए कितने में से टोटल में जितने में से आए हुए वो डालने। नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे ये डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एजुकेशन में, देखो ग्रेजुएशन ये है सबसे पहले वाला तो ग्रेजुएशन का है ये, और सेकेंड वाला पोस्ट ग्रेजुएशन का है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो यस करके आप फिलअप कीजिए इनको, यहाँ पे यस कीजिए इसमें एक्वायर्ड में, और बाकी इसका यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह डालिए यहाँ पे, फिर ईयर ऑफ पासिंग डालिए आपकी ग्रेजुएशन किस साल में हुई है, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है आपको, आपका ग्रेजुएशन का जो भी रोल नंबर, मार्कशीट इशू की डेट डालनी है, और यहाँ पे फिर वही परसेंटेज जितनी में से ऑब्टेन में तो जितने में से आए हुए आपके मार्क्स, और टोटल में जितने में से आए हुए, जितने आए हुए ऑब्टेन में और जितने में से आए हुए वो टोटल में, तो ये ऐड करके आप सभी डिटेल्स इसमें यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड दिया हुआ है ये यहाँ पर बॉक्स में टाइप करके सबमिट पर क्लिक करना है आपको, ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आता है साइड में ये टाइप करके आपको डालना है। अभी हम देखो फॉर्म फिलअप कर दिया है सारा, उसके बाद देखते हैं अगली स्टेप में क्या डिटेल्स हमसे ले जाती है, एक बार सभी देख लेनी चाहिए डिटेल्स सबमिट करने से पहले। अभी हम इसको सबमिट क्लिक करेंगे, एक बार प्रीव्यू होगा, जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं एक बार और वार्निंग देगा ये वेबसाइट की, आप एक बार चेक कर लीजिए अपनी सभी डिटेल्स, क्योंकि यही मेन पेज है इसमें फॉर्म में पूरा, यही आपको ध्यानपूर्वक भरना है पूरे फॉर्म का, ये सबसे मेन पेज है। तो अभी सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है सक्सेस, और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है, आगे फॉर्म इसी की सहायता से कंप्लीट होगा। अभी नीचे आएंगे तो देखो क्लिकर फोटो सिग्नेचर करना है अपलोड, फोटो सिग्नेचर पे आ जाएंगे। फोटो सिग्नेचर का देखो क्या करना है हमको, जो करना है साइज जो रखना है फोटो का, तो रखना है आपको 50 KB से कम, लेस देन 50 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है वो लेस देन 30 KB, सिग्नेचर का जो साइज है वो 30 KB से कम होना चाहिए। ये आप देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं साइड में लिखा भी हुआ, ये हेल्प नोट्स जो लिखे हुए इसमें देखो साफ साफ लिखा भी हुआ कि साइज सिग्नेचर का साइज तो लेस देन 30 KB और फोटो का 50 KB। तो अभी हम अपलोड करने के बाद ये देखो जैसे करते हैं क्लिक तो ये आ जाना चाहिए सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गए। और सिग्नेचर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ फॉर्मेट इसी प्रकार का होना चाहिए आपका सिग्नेचर, नीचे हिंदी में नाम और ऊपर सिग्नेचर। अभी आई डिक्लेयर में क्लिक करके देखो ये हमारा फॉर्म एक बार सभी डिटेल्स खुल जाती है। अभी आई डिक्लेयर में क्लिक करके अभी नीचे आते हैं, देखो सिग्नेचर का आपको विशेष ध्यान रखना, देखो नीचे तो हिंदी में नाम लिखना और उसके ऊपर सिग्नेचर। अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं पेज को, तो अभी इसमें कुछ डिटेल्स एक माइनर डिटेल्स फिलअप करनी है अभी इसमें, बाकी मेजर डिटेल्स तो हमारी फॉर्म की फिलअप हो ही चुकी है ऑलरेडी, अभी इसमें माइनर डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है इस पेज पे। माइनर डिटेल्स में देखो ये एक तो इसमें यही है एज प्रूफ सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स डालनी है इसमें एज प्रूफ में, तो इशूइंग अथॉरिटी और इसकी इशूइंग डेट, और यहाँ पे डेट मंथ और ईयर का फॉर्मेट और सर्टिफिकेट नंबर उसका सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे नीचे फिर कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी है आपकी, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से इशूइंग अथॉरिटी
उसकी इशूइंग डेट, जब भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट नंबर, उसका प्रमाण पत्र नंबर जो लिखा होता है आपके सर्टिफिकेट पर, वो सभी डाल के अपलोड करना होता है। वो अपलोड डॉक्यूमेंट तो स्कैन करके करना नहीं, वो डिटेल्स आपको अपलोड करने से नीचे जाते हैं तो फिर एड्रेस देखो, यहाँ पे एड्रेस में परमानेंट एड्रेस और ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, ये यहाँ पे डालना है आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। बाकी ये परारा प्रीफेरल, उसमें आप अगर एनसीसी वगैरह आपकी है, टेरिटोरियल आर्मी वगैरह है, तो आप करिए सेलेक्ट, यू ऑर्डर नहीं रहने दीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे एड्रेस में क्या क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन, ये सभी डिटेल्स आपके एड्रेस प्रूफ में होती है, ये भी इस डाल के आप, अगर दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट पे कीजिए, नहीं तो आप इसको अलग अलग डालिए, अगर कोरेस्पॉन्ड और परमानेंट अलग अलग। और उसके बाद ये सभी डाल के ये एक्सेप्ट पे यहाँ पे यस करना है, ये सिलेक्ट आपको डिक्लेरेशन यस सेलेक्ट करना है। अभी हम डिटेल डाल लेते हैं इसमें, देखो सभी इस तुमको अथॉरिटी में तो यूपी बोर्ड इलाहाबाद डल जाएगा, इसमें जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो डाल देंगे, यहाँ से आपकी मार्कशीट इशू है, फिर मार्कशीट इशू डेट आपकी मार्कशीट पर होती है लेफ्ट साइड में, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है इसमें लेफ्ट साइड में नीचे की साइड लिखी होती है इशूइंग, वो तो आपको डेट यहाँ पर डालनी है और सर्टिफिकेट नंबर भी आपकी मार्कशीट पे ही होता है, ये मार्कशीट से आपको देख के सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अभी सभी डिटेल डाल के या यस करके हम प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करते हैं, एक बार फॉर्म प्रीव्यू होता है, ये सभी डिटेल्स एक बार प्रीव्यू होती है, ओके पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक बार प्रीव्यू हो जाने के बाद सबमिट पर यहाँ पर नो, ये ग्रीन वाला का डिटेल्स आपकी सभी सही है, ये फीस आ जाती है, देखो फीस पे करने का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ये लास्ट स्टेप है फीस पे करने का, इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमें कुछ चेंज करना है, ये देखो डू यू वांट टू चेंज स्टेट कैटेगरी एंड डोमिसाइल, तो यस करेंगे, वरना ग्रीन वाला नो पे क्लिक कर देंगे कि आपकी सभी डिटेल्स सही है। नो पे जैसे क्लिक करते हैं ये यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे गेटवे सेलेक्ट करके, और ये यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गेटवे सेलेक्ट करेंगे तो ये बैंक वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट के शो हो गए। अभी हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाएंगे, आपको डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूपीआई सभी ऑप्शन दिए हुए वेबसाइट पे, कैसे भी जैसे भी आपको सुविधा लेके आप उससे पे कर सकते हैं। हम डेबिट कार्ड से फीस पे कर देते हैं अभी फॉर्म की, यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाल लेंगे अपनी फीस पे करने के लिए और पे क्लिक कर देंगे, ATM की डिटेल डाल के पे जैसे क्लिक करते हैं, आपके जो नंबर जुड़ा हुआ है बैंक से ATM कार्ड से उस पर OTP आ जाता है, OTP यहाँ पे डालना है आपको, OTP डाल लेते हैं। चलो इसका हमारा OTP आ गया है, ये जो OTP डालेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फीस डिडक्ट होने का सक्सेसफुल का मैसेज हमें शो हो जाता है कि आपकी फीस सही सक्सेसफुल डिडक्ट हो गई है, और ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है UPSSSC वाली वेबसाइट पे ही, कुछ देर पेज होल्ड हो गए ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है, पेमेंट की स्लिप हमें सो जाती है, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं लेफ्ट में प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करके, और ये सक्सेस का देखो सो जाना चाहिए, सक्सेस कंप्लीटली सक्सेसफुली राइट का निशान भी हो जाता है, यह आपको सही से देख लेना चाहिए, सक्सेस आपका पेमेंट हो जाना चाहिए जब ये आता है सक्सेस कंप्लीट सक्सेसफुली। बाकी आप लेफ्ट में क्लिक करके प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट लिखा हुआ है इसका प्रिंट जरूर ले लीजिए, और उसके बाद प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है आपको। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पर आप मैंडेटरी रूप से क्लिक कीजिए प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पे, उसके बाद ये पेज खुलता है, देखो ये पेज खुलता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह दिखाता है, उसके बाद आपको एक बार और प्रोसीड टू डाउनलोड दी प्रिंट पे क्लिक करना है, और ये प्रिंट हमारा देखो सक्सेसफुल तरीके से आ जाता है प्रिंट होने के लिए, फॉर्म अब हमारा रेडी है, ये कंप्लीट हो चुका है। ऊपर देखो ये जो 4-5 स्टेप दी हुई सभी ग्रीन हो चुकी हैं, पांचों की पांचों स्टेप, रजिस्ट्रेशन की भी, फोटो एंड सिग्नेचर की भी, फिल फॉर्मेटिंग स्टेटस की भी, और फी डिपोजिशन और प्रिंट एप्लीकेशन, सभी पे राइट का निशान आ गया, ग्रीन हो गई है। आप इसको ऊपर नीचे करके नीचे से भी आप प्रिंट ले सकते हैं कंट्रोल पी की सहायता से, ये देखो प्रिंट हमारा अब रेडी है प्रिंट होने के लिए। ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है पैट का। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी जितनी हमसे हो सकेगी। धन्यवाद।